हेलो जी नमस्कार सलाम सत श्रीकाल विश यू ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ आकाश बाइजूज नीट यूट्यूब चैनल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के बूस्ट योर बायोलॉजी की इस सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे एंड क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक स्क्रीन नजर डालना चाहूंगा कि कौन कौन से राजा बेटा और जिब्रान कुछ बच्चे कह रहे थे कि आज उनका पहला सेशन है मेरे साथ तहे दिल से आपका सबका स्वागत है जी मोस्ट वेलकम जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और सबसे बड़ी चीज जो आपको खोनी पड़ेगी वो है नींद चैन और आराम आलस्य को बिल्कुल छोड़ दीजिए डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करिए एंड मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो भी मैं आपको अपने इस चैनल पे बताता रहता हूं तय दिल से स्वागत है जी सभी का इफरान अक्षय ठाकुर कैसे हो आप मधुमिता ग्रेट जी वंडरफुल जी गॉड ब्लेस यू ऑल आई होप यू ऑल आर इन गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स एक बार आपके प्यारे प्यारे लाइक्स हो जाने चाहिए डॉली बड़े दिनों बाद आप मुझे नजर आई हैं यूट्यूब पे एक बार आपके प्यारे प्यारे लाइक्स हो जाएं पीयूष उसके बाद सेशन की शुरुआत करते हैं सो so, मैं आपको बता दूं कि क्लास ट्वेल्थ के ये सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इसमें से नीट में से जो आज हम सवाल करने जा रहे हैं बीस सवाल होंगे आपके सामने आप कोशिश कीजिएगा कि बीस के बीस प्रश्नों के उत्तर आपने सही देने हैं सो आई होप आप ये प्रयत्न करेंगे ये कोशिश करेंगे आप सब लोग बिल्कुल जी प्रॉमिस है गौरव गुंजन बढ़ सकते हैं जी पहले सवाल की तरफ सो इजाजत है कैन यू स्टार्ट द सेशन ऋषि गौरव चलो जी पहला सवाल आने वाला है स्क्रीन पे आपके सामने एंड हर सवाल के चार ऑप्शन होते हैं चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया शॉर्ट में एल ए बी लिखा है जी हमने इनकर्ड दही में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है इट प्रोड्यूस एसिड जो एसिड ये बैक्टीरिया बनाता है वो एसिड क्या करता है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस है ना जानते हैं आपके बाद सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं ऑप्शन ए कोगुलेट एंड कंप्लीटली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन सेकेंड कोट एंड कंप्लीटली डाइजेस्ट मिल्क शुगर्स And the milk proteins, या फिर and प्रकाश पीयूष अनुष्का मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स द आंसर सी चलो जी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या होना चाहिए इसका सही जवाब लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया आप जानते हैं दूध में ग्रो करता है इट ब्रेक डाउन लेक्टोस शुगर

जो लैक्टिक एसिड बनता है इट कॉजेज कोएगुलेशन एंड पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को दूध में कौन से प्रोटीन है, है. जिसमें से एक नाम कैसीन याद रखिएगा जो कि फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है दही में सो so आप लोगों ने सही जवाब दिया था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एल ए बी इट प्रोड्यूसेस द एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन क्लियर है जी अंजलि आकृति सबका सही जवाब था जी तो आपको पूरे नंबर दे रहा हूं मैं इस सवाल में प्रश्न संख्या दो आने वाली स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा आपको क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना है जब आप आंसर देंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रोब्स डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आर जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से आपको उसका चुनाव करना है जिसमें डीएनए या आर नहीं है बैक्टीरियोज वायरॉयड वायरू सॉइड या प्रियो वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंटन द करेक्ट आंसर ऋषि किरण एकदम सही जवाब खुशवंत तुम्हारा जवाब भी सही है जी प्रियॉन्स प्रियॉन्स इज द करेक्ट आंसर प्रियॉन होते क्या They are the infectious particles. Proteins है ना दे आर द प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स प्रोटीन है ये और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं And uh, what they do? They cause the abnormal folding of specific normal cellular proteins, जिसके कारण बीमारी हो जाती है। Mad cow बीमारी सुनी है आपने? बिकॉज ऑफ देर ए सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बींग मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन विदाउट डी एन एन आर एन ए दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स क्योंकि इनमें ना डी एन ए है ना आर एन ए है और ए सेलुलर स्ट्रक्चर है ये केवल प्रोटीन पार्टिकल्स हैं तो हीट के लिए रेडिएशन के लिए बहुत तरह के केमिकल्स के लिए रिजिस्टेंट हैं तो जो बीमारियाँ प्रन्स करते हैं उनका इलाज कर पाना भी उतना ही कठिन हो जाता है

एनसेफेलाइटिस राइट एनसेफेलोपैथी भी कहते हैं वायरोसॉइड क्या है सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडर्ड आर एन ए सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडर्ड आर एन एज विच आर डिपेंडेंट ऑन वायरसेस फॉर देयर रेप्लीकेशन एंड एनकेप्सिडेशन राइट जी क्लियर हो गई सारी टर्म्स तो सवाल हमसे पूछा गया था कि कौन सा माइक्रोब ऐसा है जिसमें डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड नहीं है द करेक्ट आंसर इज प्राइन ओके नेक्स्ट विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वाइन आप जानते हैं माइक्रोब्स के बहुत से यूजफुल जो है इस्तेमाल भी हैं। तो बताइए कौन सी प्रक्रिया रिस्पांसिबल है ब्रेड और वाइन बनाने के लिए वाइन जो कि अल्कोहलिक बेवरेज है इज इट फिल्ट्रेशन इज इट फर्मेंटेशन इज इट सेडिमेंटेशन इज इट लेवनिंग आदर्श ऋषि उषा गुंजन मधुस्मिता आदर्श ग्रेट अनुष्का सही जवाब दे रहे हैं बच्चे मेजॉरिटी ने आंसर सही दिया नीत राइट आपका जवाब भी सही है जी चलो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा कर आंसर देते समय द करेक्ट आंसर इज फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया क्या है एंजाइम कैटालाइज मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे यीस्ट हो गया बैक्टीरिया हो गए दे कन्वर्ट शुगर या फिर एन एसिड एन एरोबिकली एंड दे रिलीज वेरी लिटिल एनर्जी दैट इज फर्मेंटेशन जैसे आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन देख पा रहे हैं जी पायरोट कौन सा एंजाइम है पायरोट डी कार्बोक्सिलेज उसने एसिटल में उसे परिवर्तित किया उसके ऊपर एल्कोहल डिहाइड्रेजन सॉरी एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एक्ट करा और आपको नतीजा मिला इथेनॉल राइट सो क्वेश्चन नंबर थ्री द करेक्ट आंसर इज बी आप सबने अभी तक सही जवाब दिया दैट्स रियली गुड प्रश्न संख्या चार पे चलते हैं जी ड्यूरिंग द ब्रेड मेकिंग जब ब्रेड बनाई जाती है बेकर्स यीस्ट इज एडेड टू द ब्रेड डो जो आटा गूंधा जाता है उसका डो जो होता है उसमें बेकर्स यीस्ट एड किया जाता है खमीर भी कहते हैं ना द ईस्ट इन द डो इज वो क्या कर रहा है नंबर वन It हो रही है? जिसके कारण आटा जो है फूल जाता है नहीं क्या वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है डोर टू पफ अपर राइस या फिर वहां पे इथल एल्कोहल जो है दैट इज प्रिवेंटिंग द डो टू पफ और राइस या फिर इट इज मेकिंग ब्रेड वेरी हार्ड मुस्ताक एकदम सही जवाब राइट right? कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है उसके जो बुलबुले कह दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उसके कारण वो फूल जाता है हम कहते हैं ना खमीर उठ जाता है क्लियर है प्रेम सौ घर में कभी डोसा बनाया आप लोगों ने इडली बनाई तो बहुत सारी बातें आपको पता होंगी द ब्रेड डो इज प्रपेयर बाई नीडिंग मिक्सचर ऑफ फ्लोर आटा लेते हैं पानी लेते हैं शुगर सॉल्ट ऑयल एंड यीस्ट बेकर्स यीस्ट का नाम याद रखेगा सेक्रोमाइसिस सर्विस याद रहेगा बेकर्स यीस्ट सबको उषा अभिषेक प्रियांशु ग्रे चल यीस्ट डिस्पाइज एन एरोबिकली प्रोड्यूसिंग इथाइल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब वो हीट कर रहे हैं हम उस चीज को गर्म कर रहे हैं इथाइल एल्कोहल इवेपोरेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जिसके कारण डो जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा फूल जाएगी ब्रेड समझ गए घर में ब्रेड बनाएंगी कभी बिस्किट वगैरह बनाए कभी आपने शौक है किसी को कुकिंग का जिनको है उन्हें इसके बारे में पता होगा चौथा सवाल ड्यूरिंग वट दिस इज द करेक्ट आंसर वी क्वेश्चन अगले सवाल पे चलते हैं पांचवा सवाल जब दही जमाते हैं दूध से जब आप दही बनाते हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है दही की किस तरह से बढ़ जाती है

साइनेकोबेलामीन आरबीसी प्रोडक्शन एंड मेच्योरेशन के लिए वाइटामिन बी ट्वेल्व चाहिए हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं ना बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस इकोलाई ये बैक्टीरिया भी बहुत यूजफुल हैं बहुत सारे वाइटाम्स बनाते हैं विटामिन बी वन बी टू बी ट्वेल्व बायोटिन वाइटामिन के तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी विटामिन बी ट्वेल्व बनता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि दही में प्रेजेंट है इट प्रोड्यूस वाइटमिन बी ट्वेल्व जिसके कारण दही की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है तो दही खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है जरूर खाया कीजिए एग्जाम से पहले भी मम्मी आपको दही और चीनी खिलाते होंगे ना कि भाई मेरे बच्चे का एग्जाम जो है वो अच्छा हो शुभ शगुन वाली बात मानी जाती है छठा सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने विच माइक्रोबियल प्रोडक्ट इज यूज फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स शरीर में अक्सर अब नॉर्मल क्लॉट बन जाते हैं थ्रोम्बो एम्बॉलिज्म कहते हैं उसे तो भाई हमें उन क्लॉट्स को डिजोल्व करना पड़ता है हम क्या यूज करते हैं स्टेटन पेक्टिनेस एंजाइम लाइपेस या स्ट्रेप्टोकाइनेज क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना ऋषि तुम्हारा जवाब सही है आदर्श प्रेम सबका जवाब सही है जी इट इज डी स्ट्रेप्टोकाइनेस ब्लड क्लॉट्स को डिजोल्व करता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस एन एंजाइम विच इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकाइनिज दिस एंजाइम इज मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर इट रिमूव द कलॉट जो क्लॉट बन जाते हैं ब्लड वेस्ल्स में क्या कहते हैं उन्हें थ्रोम्बर्स जैसे मान लो भाई ये हमारी ब्लड वेस्टल है किसी कारणवश ब्लड वेस्टल के अंदर क्लॉट बन गया द क्लॉट इज कॉल्ड थ्रोम्बर्स जब ये क्लॉट डिटैच हो जाता है ब्लड वेसल की वॉल से और ब्लड में ये फ्लोट करने लगे तो हम इसे एम्बोलस कहते हैं ओवरऑल कंडीशन को थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं तो ऐसे क्लॉट्स को डिजोल्व करने के लिए वी यूज स्ट्रेप्टोकाइनेस नाउ व्हाट आर स्टेटन क्वेश्चन में और ऑप्शंस भी तो समझनी है ना स्टेटिन क्या है क्या है Statins होते हैं ऐसे एजेंट्स जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं कैसे बाय इनिबिटिंग द एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द बॉडी कोलेस्ट्रॉल हम डाइट में भी लेते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में भी बनता है भाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो ये नुकसानदायक बात है पैक्टिनेस पता क्या होता है आपको दे डाइजेस्ट द पैक्टिन टू मेक द जूस अपियर मोर क्लियर जूसेस को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है एंजाइम उसमें डालते हैं जिसके कारण पैक्टिन जो है वो डिजॉल्व हो जाए लाइपेसिस तो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे ऑयली स्टेन फ्रॉम द क्लोथ राइट धाक धब्बे जब लग जाते हैं ग्रीसी ऑयली कोई भी धब्बा लग गया तो डिटर्जेंट्स हम उसे धोते हैं वहां पर लाइपेसिस होते हैं Which microbial product is used for removing the clots from the blood vessels of the patient? छठे सवाल का आंसर हो गया डी, right जी Clear है बच्चे चलो अगला सवाल दिखाऊं सातवां सवाल Question number सेवन The first antibiotic was obtained from an organism which is देखो कितना smart question बनाया examiner ने एक ही सवाल में कितनी सारी बातें आपसे पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए पहली antibiotic कौन सी थी और वो एंटीबायोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म से मिली थी सवाल उस ऑर्गेनिज्म के बारे में है क्वेश्चन है द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इज सेलूलर एंड प्रोकैरियोटिक क्या वो कोई बैक्टीरिया था मल्टी सेल्युलर एंड यूकैरियोटिक तो क्या वो फंजाई थी फंगस थी कोई प्लांट था कोई एनिमल था सी ऑप्शन यूनी एंड यूकैरियोटिक क्या यूनि सेलूलर यूकैरियोट्स हो सकते हैं सोचिए मल्टी सेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक मधु आकृति तान्या प्रकाश जया सौम्या नेहा स्वाति प्रियांशु आस्था अंजलि हरेंद्र बहुत बच्चे कोशिश कर रहे हैं जवाब देने की वेल सुनो पहली एंटीबायोटिक जो थी दैट इज अ पेनिसलीन सुना ना आपने अच्छा बहुत से लोग एलर्जिक भी होते हैं पेनिसिलीन के लिए पेनिसिलीन उन्हें देने से पहले हमें टेस्ट डोज देना पड़ता है फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वॉज पेनिसिलीन बाय सर एलेक्सेंडर फ्लेमिंग आपको पता है डिस्कवरी बाय चांस हुई थी ये एंड डिस्कवरी बाय चांस इज वट इज कॉल्ड सिरेंडिपिटी एलेक्सेंडर फ्लेमिंग जो थी वॉज वर्किंग ऑन सम कल्चर और उन्होंने देखा कि उसके बैक्टीरियल कल्चर पे काम कर रहे थे कि भाई उसके चारों तरफ कुछ फफूंद लग गई है फंगस लग गई है और कल्चर खराब हो गया लेकिन बाद में उन्होंने ऑब्जर्व करा कि उसी ऑर्गेनिज्म के कारण बैक्टीरिया मर गए सो दैट गेव हिम एन आइडिया कि कोई प्रोडक्ट तो रिलीज हो रहा होगा ना यहां से इस फंगस से ठीक है जी सो द केमिकल वॉज नेम्ड पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम एंटीबायोटिक है ये ियम नोटम जो है फंजाई किंगडम फनजाई का मेंबर है एंड यू नो देंबर्स ऑफ द किंगडम फंजायर यू कैरियॉट्स सो ऑल ऑर्गेनिजम इंक्लूडेड इन किंगडम फनजाई आर यू कैरियॉट्स क्लियर है जी ठीक है सो मल्टी सैलुलर एंड यू कैरियोटिक सेवंथ का आंसर बी जागृति आपको पता था सीरेंडिपिटी डिस्कवरी बाय चांस जैसे कीकुलिस द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर बेंजीन, एलेक्सेंडर फ्लैमिंग ने ही एक लाइसोज़ाइम, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम भी डिस्कवर करा था वेन ही एक्सीडेंटली स्नीज ऑन बैक्टीरियल कल्चर याद रहेगा हा, हां हां बिल्कुल सी सर ने कहा ग्रेट एक बार प्यारे प्यारे लाइक्स हो जाएंगे आपके जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और एक बात आपको और बता दूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा हमारे कम्युनिटी पोस्ट भी जरूर देखते रहिए और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो आने वाले दिनों में डिस्क्लोज होंगे कि आपके लिए और कितने बेहतरीन कोर्सेज हम यूट्यूब पे लॉन्च करने वाले हैं आठवां सवाल स्क्रीन पे आपके सामने साइक्लोस्पोरिन ए माइक्रोबियल प्रोडक्ट विच इज यूज एज डैश पहला डैश यहां पर आ गया जी इट इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम अ डैश सेकेंड डैश यहां पर आ गया ने के बारे में आपको बातें बतानी है क्या यह कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है एक बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटियालिसम है ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट है एक फंगस से मिलता है जो कि ट्राइकोडर्मा है ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट है मिलता है मोनेस्कस से या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है स्टेटिन है जो फंगस से मिलता है जया ने कहा बी मधुमिता राहुल तान्या अनुष्का जागृति आकृति अनुष्का कितने सारे बच्चों के नाम ए से है ना दैट्स वेरी नाइस वेल Cyclosporin A is a microbial product which is produced by fungus. Trichoderma polysporum. और इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देखिए जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो एक बड़ी समस्या जो हमारे सामने आती है कि भाई हमारी बॉडी बाहर का एक बैक्टीरिया भी टॉलरेट नहीं करती है तो इतना बड़ा ऑर्गन कैसे टॉलरेट करेगी तो जब वो ऑर्गन डालेंगे शरीर में इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखना होगा हमें क्लियर है जी याद रहेगी ये चीज आठवें का आंसर बी सही है एकदम मीतू राइट right? ग्रेट चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर नाइन कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन्हें ध्यान से पढ़िएगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट हमें बताना है कितनी बातें गलत हैं तो पहले हमें ये सारी बातें ध्यान से पढ़नी होंगी पहली बात है द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज खाया आपने स्विस चीज कभी द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि भाई ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसके ढेर सारे बुलबुले निकल रहे हैं उठ रहे हैं जिसके कारण बड़े बड़े होल्स हैं उस चीज में सेकेंड टॉडी ताड़ी भी कहते हैं जिससे टॉडी इज मेड बाय फर्मेंटिंग द दैप फ्रॉम द ये बात भी सही लग रही है मुझे तो तीसरी बात द रॉक फुट चीज इज राइप्रोइंग स्पेसिफिक फंगस ऑन दम एंड चौथी बात बियर इज मैनुफेक्चरेशन ऑफ फॉर्मेंटेड ग्रेप जूस सवाल का जवाब हमने पकड़ लिया डिस्टिलेशन बियर क्या इसमें डिस्टिलेशन होता है हाँ जी बताइए नेहा जया बिल्कुल सही एक बात incorrect है और वो बात डी वाली बियर वाली बात जो है इसमें पढ़ते हैं जी स्विस चीज का ऑप्शन था इसमें द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइट आप जानते हैं जो है लैक्टोज को तोड़ देगा लैक्टिक एसिड में और उसके बाद प्रोपोइनी बैक्टीरियम शर्मानी एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टॉडी जिसे हम कहते हैं इट इज मेड बाय फर्मेंटिंग द सैप फ्रॉम द पाम्स इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रिंक प्रिपेर फ्रॉम द फर्मेंटेड पाम सैप आपने देखा लीफ का बेस काटा जाता है और एक मटकी जैसी चीज जो है उसके साथ टांग दी जाती है जिसमें सैप इकट्ठा किया जाता है फिर उसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है और उससे जो है ताड़ी बनाई जाती है तीसरा ऑप्शन था रॉकफोर्ट चीज के बारे में विच इज राइप्रोइंग स्पेसिफिक फंगस पेनिसिलियम रॉकफॉटी पाई जाती है. ने कहा कि हाँ साउथ इंडिया में हमने देखा है ताड़ी का जिक्र कर रहे हैं या, सेप वाला. Right, ठीक है जी वाइन एंड बियर आर मेड विदाउट डिस्टिलेशन सोम अच्छी बात ग्रिट तो जो बियर है उसका मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस के द्वारा नहीं है डिस्टिलेशन प्रक्रिया इन्वॉल्व नहीं है वाइन एंड बियर जो है दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन विस्की ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ fermented ब्रॉथ तो आपको ध्यान रखना है डिस्टिल्ड कौन से नॉन डिस्टिल्ड कौन से नॉन डिस्टिल्ड में बियर हो जाएगी वाइन हो जाएगी और distilled में ब्रांडी रम विस्की अल्कोहल की मात्रा सब में अलग अलग है तो जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हमें गलत बात बतानी थी एक ही बात गलत है और वो बात डी ऑप्शन है राइट right, मेरे बच्चे क्लियर चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीविच नंबर वन फिल्ट्रेशन नंबर टू मैकेनिकल एजुटेशन क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैकेनिकल एजुटेशन इन्वॉल्व है एंड देन सी सेडिमेंटेशन फिर ऑप्शन का चुनाव कीजिए वन टू एंड थ्री वन एंड थ्री वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली मेरे पास बी ऑप्शन वाले ज्यादा बच्चे हैं कि वन एंड थ्री सो बहुत से बच्चों का मानना है कि मैकेनिकल एजिटेशन इन्वॉल्व नहीं है है ना अंजलि यही आपका मानना है चलो एक बार डिस्कस करते हैं जी सी डायग्राम देखिए पूरा ध्यान से फिल्ट्रेशन टैंक नजर आ रहा है आपको ये सबसे पहले नंबर टू पे सेडिमेंटेशन टैंक नजर आ रहा है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या है there is physical removal of the particles through filtration and sedimentation. Physically particles remove किए गए उसके बाद शुरू होता है फिर secondary sewage treatment जो भी हम आगे देखेंगे Filtration tank में क्या हो रहा है Removal of the floating solid debris. जितना भी कचरा है जितना भी सीवेज आया उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं डेब्रीज हैं तो वो फिल्ट्रेशन के जरिए हटा लिए जाते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन है पहले बड़े बड़े पार्टिकल हट गए फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे छोटे फिर फिर हम उसे सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं कि भाई सेडिमेंट हो जाए पानी जो है सीवेज उसमें पड़ा रहे धीरे 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 चीजें सेटल हो जाएंगी सेटलिंग डाउन ऑफ द फ्लोटिंग पार्टिकल सॉलिड डेब्रीज तो हमें मिलता है प्राइमरी स्लज राइट सेटल डाउन जो सेडिमेंट है और इफ्लुएंट मिल जाता है दैट इज सुपरनेटेंट कुछ चीजें ऊपर तैरती रहेंगी और कुछ नीचे सेटल कर जाएंगी जो सेटल कर गया वो प्राइमरी स्लज है और इफ्लुएंट जो है वो सुपरनेटेंट फ्लोटिंग सीवेज है सो दैट मीन सवाल जो पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व है सेडिमेंटेशन इन्वॉल्व है मैकेनिकल एजुटेशन इन्वॉल्व नहीं है मधु आदर्श जागृति हेमचंद्रा कुछ बच्चे बहुत एक्टिव हैं चैट में सो उनके नाम अक्सर बार बार मुझे दिख जाते हैं अनुष्का राइट आशुतोष सही जवाब है चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग आपके प्यारे प्यारे लाइक्स आते रहने चाहिए भैया एनर्जी मिलती है हमें भी मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन कॉलम ए देखिए कॉलम बी देखिए कॉलम ए में क्या दिया है प्राइमरी स्लज एक्टिवेटेड स्लज एन डाइजेस्टर्स दूसरी तरफ दिया है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस सॉलिड्स लाइक ग्रिट एंड तीसरा है कंटेन्स एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत से बच्चे आंसर ए कह रहे हैं ओके okay. ए में क्या है जी वन का बी यानी प्राइमरी स्लज सॉलिड लाइक ग्रिट और टू का सी यानी एक्टिवेटेड स्लज में एरोबिक कंटेन बैक्टीरिया एंड थर्ड का ए कह रहे हैं आप यानी प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ग्रेट सो यू कॉन्फिडेंट आंसर सही है आपका चलो जी देख लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी स्लज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जब फिल्ट्रेशन हो गया है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन तो सेडिमेंटेशन टैंक में जो सेटल डाउन कर गया है सेडिमेंट जिसमें कि सॉलिड लाइक ग्रिट हैं छोटे मोटे कंकड़ पत्थर पेबल्स हैं तो आ, आपने सही बताया है, बिल्कुल एक्टिवेटेड स्लज क्या है सी आफ्टर डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय एरो माइक्रोब्सूएंट इज पास टैंक सो देर इज देशन ऑफ द फ्लॉक्स दैट इज है एंड सेडिमेंट विच इज ऑप्टेन्ड इज नाउ कॉल्ड एज द एक्टिवेटेड स्लज तो सुपरनेटेंट जो है हमारे सेटलिंग टैंक में वो है जी ट्रीटेड इफ्लुएंट एंड सेडिमेंट जो है दैट इज एक्टिवेटेड स्लज जो एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक है वहां पे क्या है डिफरेंट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया को और फंगल फिलामेंट्स को जो कि एक्टिवेटेड स्लज में प्रेजेंट है और जब ये डाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है तो अलग अलग गैसेस मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एच हाइड्रोजन सल्फाइड ये रिलीज होगी और इन्हीं सब से क्या बना है बायो गैस, तो ए जो आंसर कहा है ना आपने बिल्कुल सही कहा है दैट इज का B, two का C, and three का बी सी एंड ए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ना कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं है ना मान लीजिए दो तीन क्वेश्चंस ऐसे आए जो नॉर्मल एक ही चूज कर रहा था आंसर फिर आ गया मैच द फॉलोइंग तो वहां क्या होता है अगर दो आपको पता हो तो बाकी एक या दो का तुक्का भी आप लगा लेते हैं हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए जब दो ऑप्शन में गड़बड़ लगे ना तब आप रिस्क ले सकते हैं जब आपको तीन ऑप्शन में लगे मिलता जुलता आंसर नहीं पता चल रहा तो तब रिस्क मत लेना रीजन दो स्टेटमेंट्स दी गए हैं दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दोनों सही है एक सही है एक गलत है अगर दोनों सही है तो क्या सेकेंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है एजर्शन सीवेज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कैन बी रिलीज इन टू द रिवर आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब सीवेज को हमने प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे दिया तो क्या फिर उसके बाद हम उसे रिलीज uh, कर सकते हैं सुरक्षित है वो आप uh, नदी में डाल सकते हैं रीजन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल्स टू सीवेज। इज इट करेक्ट कोई केमिकल एड करते हैं इसमें नहीं करते भाई केमिकल तो कोई एड नहीं होता सी आंसर एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है देर इज रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सीवेज बाय माइक्रोबियल एक्शन कैसे द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है दैट इज देन रिलीज इन टू दॉटर बॉडीज देर इज नो केमिकल लाइक थिंग विच विल बी एडेड तो एजर्शन सही है लेकिन जो रीजन दिया गया है वो गलत है सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज इन्वॉल्विंग द डाइजेशन ऑफ दिनिक मैटर विद्पऑफ बट केमिकल्स आर नॉट एडेड इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्लियर हुई ये बात मिस्टर संधु सौम्या जागृति सौम्या आज आप काफी एक्टिव हैं दैट्स रियली नाइस उजमा आस्था उजमा आपने पहले भी सेशन अटेंड करे हैं आशुतोष चलिए जी आशुतोष अगला सवाल आता है स्क्रीन पे आपके सामने बारहवीं का आंसर आपने सही दिया है सी अब तेरवा सवाल है 13th क्वेश्चन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गंगा एक्शन प्लान पहले मैं इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लेता हूं कि हमसे इनकरेक्ट बात पूछी गई है ताकि ऑप्शंस पढ़ते समय हम गड़बड़ ना कर जाएं भाई इट वाज इनिशिएटेड बाय आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या ये बात सही है सेकंड इट एम्स टू सेव द रिवर गंगा फ्रॉम पॉल्यूशन द प्लान प्रपोजेस टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डी अकॉर्डिंग टू दिस प्लान ओनली दीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स वॉट यू आर सपोज टू टेल मी दृष्टि नेहा मधु हरेंद्र मीता मीतू इन करेक्ट बात बतानी है गड़बड़वत कर जाना सो so, आप कह रहे हैं ए तो यह आपका जवाब बिल्कुल सही है गंगा एक्शन प्लान जो था इट वॉज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरस्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज बिफोर डोमेस्टिकार्ज इन टू दी रिवर ताकि नदियां मैली ना हो नदियां गंदी ना हो पॉल्यूशन ना हो इकोसिस्टम को सुरक्षित रखा जा सके इट एम्स टू सेव द रिवर्स ऑफ आवर कंट्री लाइक गैन्ज या गंगा फ्रॉम पॉल्यूशन इट वॉज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स So, आपने सही जवाब दिया एकदम से आपने पकड़ लिया कि भाई इनकरेक्ट बात जो है वो पहली वाली है जब भी आपको लगे कि पहला ऑप्शन ही आंसर है तो भी आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने जल्दबाजी नहीं करनी है चार ऑप्शन पढ़ लेने हो सकता है बाकी के ऑप्शन में आने वाले किसी क्वेश्चन के आंसर का क्लू छुपा हो तो पढ़ना तो जरूरी है ना एग्री करेंगे ना आप बात मेरे से प्रशस्ती यू एग्री टू दिस फोर्टींथ क्वेश्चन

ज़्यादातर बच्चों ने सही जवाब पकड़ लिया आप बहुत होशियार हो चुके हैं भाई दैट्स ग्रेट सी बोथ द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विद राइट विद द पोल्यूशन लेवल कैसे बी ओडी टेस्ट मेजर्स रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम इन सैंपल ऑफ वॉटर सो हम देखते हैं जी ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है सो दैट मीन्स वाटर सैंपल बी हैज ग्रेटर बी ओ डी यानी एट मिलीग्राम्स पर लीटर सो इट इज मोर पॉल्यूटेड देन सैंपल ए जिसमें टू मिलीग्राम्स पर लीटर है तो आप सबका जवाब सही था एनसीआर टी पढ़ ली है ना सबने इस चैप्टर के लिए NCRT काफी है जल्दी देख लेना अगर आपने नहीं देखा पीडीएफ आपके पास जरूर होना चाहिए इन सभी सेशंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पीडीएफ कहां से मिलेगा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए वहां आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना सारे लिंक दिए होते हैं वहां पर

जब स्प्रे किया है हमने तो होता क्या है कि जो प्रोटोटॉक्सिन के मॉलिक्यूल्स हैं जब वो इंसेक्ट की बॉडी में चले जाएंगे दैट प्रोटॉक्सिन जो है दैट इज एक्टिवेटेड इन द एलकेलाइन पीएच ऑफ द मिड गट इंसेक्ट की गट जैसे कॉकरोच की गट याद है ना फोर गट मिड गट इन आइन गट, गट मिड गट में जब वो टॉक्सिन पहुंचा तो वो एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि पीएच एलकेलाइन है और वो बन जाता है एक सॉलेबल टॉक्सिन प्रोटीन अब वो क्या नुकसान करेगा सोलबल टॉक्सिन प्रोटीन बाइंड सरफेस ऑफ दिडगट एपीथीलियल सेल्स इंसेक्ट की वो टॉक्सिन पोर्स बना देता है छेद बना देता है जिसके कारण क्या हो जाएगा देर विल बी स्वेलिंग एनलाइसिस ऑफ द मिडगट सेल्स बिकॉज पानी उनके अंदर एंटर कर जाएगा इंसेक्ट विल स्टॉप ईटिंग एट दिस पॉइंट एंड अंडर गो स्टारवेशन

ब्यूटरिक एसिड होना चाहिए एसिटोबैक्टर एसिटाइट एसिटिक एसिड होना चाहिए बी आंसर आ रहा है मेजोरिटी कह रहे हैं बी बी में मतलब वन का सी एसिटोबैक्टर एसिटाई को सी के साथ जोड़ दिया आपने यानी एसिटिक एसिड टू का कह रहे हैं डी बाई लेक्टोबैसिलस के साथ हो गया लैक्टिक एसिड टू का डी थ्री का कह रहे हैं बी ओके सिट्रिक एसिड एंड ये हो गया जी ब्यूटायरिक एसिड क्लियर है। उषा, जया, जसविंदर ग्रेट देख लीजिए यहां पर नाइजर से सिट्रिक एसिड मिल रहा है आपको एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड तो बार बार डिस्कस कर चुके हैं क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज से ब्यूटायरिक एसिड करेक्ट आंसर इज बी आप सबने सही जवाब दिया था आई एम है पिछले सालों का क्वेश्चन है ग्रेट यही तो फायदा होता है कि जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अच्छा आप इस डायग्राम को गौर से देखो जरा इस डायग्राम पे आधारित मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे डायग्राम में लेबलिंग आइडेंटिफाई कर लीजिए ए क्या है बी क्या है सी क्या है डी क्या ई e क्या है आप एक बार डायग्राम को दिमाग में बिठाओ मैं बताता हूं आगे हेलो शुभम हेलो अरुण ग्रेट अनिश पढ़ लिया चलो अब देखते हैं हमें बताना क्या वो डायग्राम मैंने फिर से यहां पे लगा दिया आप रिलेट कर पाए आपको आइडेंटिफाई करना e, पिट फॉर स्पेंट स्लरी वो कौन सा है चार्ज पिट फॉर कैटल डंग एंड वाटर गैस होल्डर कौन सा है डाइजेस्टर कौन सा है बायोगैस आउटलेट कौन सा है चलो हम ई से ही पकड़ते हैं ई वाला जो है ई e वाला जो है ये देखिए आपको क्या लग रहा है ई e क्या होना चाहिए इसमें डायग्राम में, में? बायो गैस आउटलेट होना चाहिए तो देख लेते हैं e ई में बायो गैस आउटलेट कहां, कहां किस किस ऑप्शन में 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 पहले तीन ई मेंउटलेट e में है बच्चे डी आंसर दे रहे ई e गैस होल्डर है ओके कुछ कह रहे हैं सी चलिए देखते हैं जी हेलो अंश कैसे हैं आप अंश अरोड़ा इधर देखिए जी आंसर दे भी दिया मैंने यहां याँप पे आपको इसी डायग्राम में अच्छा एनसीआरटी के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं आपको ध्यान देने हैं हेलो जॉय जोबन अनुष्का विकास जया सी कहा था गुंजन तुमने भी सी कहा है प्रशस्ति ज्यादातर बच्चों का आंसर सी है वेल सी चलिए देखते हैं इधर ए इज द चार्ज पिट फॉर कैटल डंग एंड वॉटर बी इज द पिट फॉर स्पेंट स्लरी आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा मिट्टी के नीचे और कुछ मिट्टी के ऊपर ये भी ध्यान रखना कलर हमने लग दिखाया है डी इज डाइजेस्टर सी इज द गैस होल्डर ई इज आउटलेट मैंने क्लू आपको दे दिया था पहले ही फिर से आ गया डायग्राम आपके सामने और ये रहा करेक्ट आंसर ठीक है जी जस्ट मिनट ये रहा हमारा करेक्ट आंसर यानी सी ऑप्शन आसान था क्वेश्चन सुमित बताओ

मिथेनोजन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मिथेन बाई एक्टिंग ऑन सेलोलोजिक मेटीरियल एरो दीजिएगा वेन्यू से मिथेनोजन मिथेनोजन बिलोंग टू द डोमेन आर्किया विच इंक्लूड्स प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ प्रो कैरियो ये ऑब्लिगेट एन एरोबिक बैक्टीरिया है बेटा ध्यान देना ट एन एरोबिक बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मिथेन एन एरोबिकली रिएक्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन मिथैनो बैक्टीरियम गिवस यू मिथेन एंड वॉटर मिथेनोजन कहाँ आपको पता है र्यूमिनट्स होते हैं जानवर जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं जिन्हें हम हिंदी में र्यूमिन का स्टमक कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है उसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं र्यूमेन ओमेसम र्यूमन एंड रेटिकुलम में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द सो सेल्यूलोसनोजन्स जो है उनके र्यूमन चैम्बर में मिथेनोजन पाए जाते हैं रूमन में कहां पे chamber में किस में किसमें डंग विद कहा एंड सेलुलोज रेस्पिरेशन में ढेर सारी बायोगैस आपको मिल जाएगी क्लियर है मीतू प्रकाश नेहा अनुष्का जागृति सही जवाब दृष्टि ग्रेट अच्छा कुछ मिथैनोजेंस की एग्जाम्पल बता दो जरा चलो आपसे पूछता हूं मिथैनोजेंस सॉरी र्यूमिनेंस की एग्जाम्पल बताइए कुछ र्यूमिनेट्स की एग्जाम्पल बताइए मधुमिता एक मैं बता देता हूं काओ काओ के अलावा गाय मैंने बता दी अब और बताइए शीप का आपने ओके ठीक है जी पीयूष ने कहा शीप अच्छा आपने मिथेनो कोकस कह दिया मिथैनोजन की एग्जाम्पल ठीक है जी शीप हो गया काओ बफलो और गोट यानी बकरी ओके okay. तो बस ध्यान रखना गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब हैं वंडरफुल जी नाइनटीन विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ बायो कंट्रोल एजेंट इनमें से कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है trichoderma, nucleopolyhedrovirus, xanthomonas campestris, bacillus thuringiensis. जल्दी से 19 का आंसर चाहिए सुमित देवांशी दृष्टि जया पटेल जागृति मेजोरिटी कह रहे हैं सी जेंथोमोनास चलो जी डिस्कस करते हैं क्या है सही जवाब Xanthomonas campestris causes black rot disease in crucifers, which belong to the family Brassicaceae. Plants can be infected during any stage of their life. बायो कंट्रोल एजेंट्स वो होते हैं जहां पे हम बायोलॉजिकली मेथड्स का बायोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीजेस एंड पैट जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया न्यूक्लियो पॉली हो गया बेसिलस हो गया ये टेबल याद रखना इंपॉर्टेंट है ट्राइकोडर्मा जो है इट इज हाईली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजन न्यूक्लियो पॉली प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड लेपिडॉप्टर इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट है जो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बीटी टॉक्सिन की बात करी थी ना क्लियर है प्रकाश ग्रेट भाई जिन बच्चों ने अभी तक लाइक like का बटन नहीं दबाया ना एक बार लाइक्स दबा दीजिए लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं एनर्जी का राउंड हो जाए राइट right सौम्या चलो दिव्यांशी देखो बीसवा सवाल आपके सामने आने वाला है नाइनटीन का आंसर आपने सही दे दिया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कहता है दैट यू हैव टू चूज द इनकरेक्टली मैच पेयर गलत मैचिंग जो है पहला एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एजोस्पायरलम सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ग्लोमस माइक्रोराइजल एसोसिएशन है सी कह रहे हैं बहुत से बच्चे तो प्रशांत सौम्या हेमचंद्रा गुंजन प्रियांशु देखें सी आंसर है या नहीं है चलो जी आपका जवाब सही है ऐसे आप होशियार बच्चे हो वेल यू कैन सी दैट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाइज बाय प्लांट्स पहले उसका होना चाहिए। एसोसिएशन है, है ये आप जानते हैं अच्छे से देन एजोटोबैक्टर एजोस्पायर जो है ये फ्री लिविंग है हमारे उस ऑप्शन में एजोस्पायरलम को सिम्बायोटिक लिखा हुआ था एंड देन यू नो दैट

इसका पूरा पीडीएफ चाहिए सेशन का और बाकी के जितने भी सेशन हमारे बूस्टर बायोलॉजी के उसके पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देख लेना सारे लिंक वहां पे दिए होंगे चलिए जी सो so, इसके साथ ही आज का हम ये सेशन यहां पे समाप्त करते हैं एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन बताइए एक बार चैट पे मुझे सुमित जी मजा आया सुमित कह रहे हैं आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं सुमित जांगिर थैंक यू सुमित थैंक यू सो मच मेरा यही मकसद है कि आप अपने मकसद में कामयाब मेरी ढेरों गुड हैं आप सबके लिए बस सेशंस को प्यार करते रहिए लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर विद्या बांटने से बढ़ती है ये बात मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूँ एंड फिर से कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं कुछ ही दिनों में इसी चैनल पे नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल विश यू ऑला Very bright and prosperous future.